हेलो एवरीबडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111. आज ये आप लोगों की पिक एक आज रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है डू दे मिस यू क्या वो आपको याद करते हैं कब याद करते हैं और जब याद करते हैं तो क्या याद करते हैं आपके बारे में वो क्या सोचते हैं तो इस रीडिंग को आप अपने लव ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं इसके अलावा अगर आपकी सेपरेशन हो चुकी है और सेपरेशन हुए काफ़ी अर्सा बीत गया और आप जानना चाह जा रहे हैं कि क्या आज भी वो आपको मिस करते हैं क्या थॉट्स हैं उनके जहन में आपके बारे में ये हम जानने की कोशिश करेंगे तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है हम देखते हैं कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं क्या इंटेंशंस हैं उनकी ये हम जानेंगे तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और अगर आप लोगों से मेरा नाम लेकर कोई ये कहे कि आप लोग पेमेंट करें और वो आपकी रीडिंग करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है नो you know, क्योंकि Uh, कुछ अर्सा पहले मेरे ही चैनल पर कमेंट सेक्शन में कोई uh, मेरे ही चैनल का नाम यूज़ करके आप लोगों से ये कह रहा था कि वो आपकी रीडिंग करेंगे तो ये सब झूठ है मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ मैं सिर्फ यूट्यूब पर ये जनरल रीडिंग्स करती हूँ तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो आपके पास पहला ऑप्शन है दिस ईवल लाई प्रोटेक्टर चार्म Second option ऑप्शन वी हैव दिस and yang एंड थर्ड ऑप्शन वी हैव दिस फेथ बहुत खूबसूरत है ये देख लीजिए तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं अगर आप तीनों देखना चाह रहे हैं या दो देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके मेडिटेट भी कर सकते हैं मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर वन से जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर वन यानी कि ये ईवल आई प्रोटेक्शन चार्म सेलेक्ट किया ये आप लोगों की रीडिंग होगी इसको हम यहां पर रख देते हैं हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं क्या सोचते हैं कब मिस करते हैं आपको सबसे पहला कार्ड वी हैव टन ऑफ वॉन्ट्स देन वी हैव द मून द हर्मिट स्ट्रेंथ एस ऑफ कप्स द एम्प्रेस थ्री ऑफ कप्स एंड वी हैव टू ऑफ वन तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार साइंस देखते हैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो लियो बहुत स्ट्रांगली है वर्गो बहुत स्ट्रॉन्गली है जी ये स्टार साइंस मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं एरिज भी आप एड कर लीजिए एरिज लियो सैजिटेरियस ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं लेकिन जो स्ट्रांगली थे वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिए लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है तो आप जिनके बारे में पूछना चाह रहे हैं आ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आ, आप उनके क्रश हैं ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी आपसे शेयर नहीं की अपनी फीलिंग्स जिन्होंने हमेशा आपको दूर दूर से पसंद किया है दूर दूर से आपको देखते रहे हैं आपको एडमायर करते रहे हैं दिल ही दिल में इनके अंदर बहुत इमोशंस थे हमेशा से आपके लिए और ये कभी आपसे डिस्कस नहीं कर पाए हैं ये आपसे खुद को दूर रखते रहे हैं और शायद इसलिए रखते होंगे कि मे बी उनको तो ये है ये डर है कि आप शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो आपसे शेयर कर लेंगे शायद उन्हें रिजेक्शन का डर है या वो शायद ये समझते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपको उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है या अपनी लाइफ के बारे में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं तो जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं चाहे ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं चाहे आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं चाहे ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया वो आपको मिस करते हैं ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन सम uh, हाउ ये प्यार उनके लिए एक बर्डन रहा है हमेशा से इनको ऐसा लगा कि uh, वो आपको फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शायद बहुत ज़िम्मेदारियाँ रही हैं हमेशा से बहुत सा बर्डन रहा है बहुत सी परेशानियाँ बहुत सी मुश्किलें इनकी ज़िंदगी में हमेशा से रही हैं इनकी लाइफ uh, काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है काफ़ी अप्स अप्स एंड डाउनस इनकी ज़िंदगी में चलते आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद उन्हें लगा कि वो आपको ये लव ऑफ़र नहीं कर सकते हैं मे बी आपके पर्सन ने सेल्फ़ लव भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बहुत अच्छा नहीं सोचते बहुत ज़्यादा सेटिसफाई अपनी ज़िंदगी से नहीं है और शायद इसलिए वो आपको प्यार नहीं दे पाए या अटेंशन नहीं दे पाए कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि शायद आपने इन्हें ये लव ऑफ़र किया था आपने इन्हें ये इमोशंस, ये डिवाइन ऑफ़र दी थी लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और शायद आप ये सोचते हों कि क्यों वाई आप इतना ज़्यादा प्यार इनको दे रहे थे और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वो इसलिए क्योंकि इस उस वक्त उनकी एनर्जी बहुत सी और चीज़ों में जा रही थी बहुत सी और चीज़ें उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रही थी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था बी अभी भी चल रहा है बहुत सी जिम्मेदारियाँ और कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी थी जो इनको परेशान कर रही थी जिसकी वजह से वो कभी भी इस ऑफर को कबूल नहीं कर पाए या कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस प्यार को जो उनके दिल में आपके लिए है और उन्होंने हमेशा से यही सोचा कि वो आपको ना ही बताएं तो बेहतर होगा उन्होंने हमेशा छुपा कर रखा कि वो कितना आपको एडमायर करते हैं कितना आपको हाईली देखते हैं वो ये समझते हैं कि आप एक बहुत ख़ूबसूरत इंसान हैं आप एक बहुत नर्चरिंग इंसान हैं आप आप एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं आपके बारे में वो ये समझते हैं कि आप फैमिली ओरिएंटेड भी हैं एंड एट द सेम टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं आप स्पिरिचुअलिटी को दुनिया को हर चीज़ को साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं और ये बात आपकी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं उन्होंने हमेशा जिस इंसान का ख़्वाब सोचा कि ज़िंदगी में ऐसा इंसान होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं उन्होंने हमेशा से सोचा कि उनका लाइफ पार्टनर जैसा होना चाहिए वो सारी ख़ूबियाँ आपके अंदर हैं आप एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हैं आप जिसकी भी ज़िंदगी में होंगे उसकी ज़िंदगी को चार चांद लग जाएंगे वो एक बहुत लकी इंसान होंगे जिनकी ज़िंदगी में आप जाएंगे आप आपके लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो शायद अवॉइड करते हैं आप जिस जगह पर होते हैं वो नहीं आते हैं उस जगह पर जहां आप होते हैं शायद वो आपको फेस नहीं कर सकते अगर आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई आप लोगों का रिलेशनशिप था तो आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत मुझे कम लग रहा है आपके पर्सन आपसे दूर भागते हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको फ़ेस नहीं कर सकते हैं आपको फ़ेस करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं वो आपको मिस भी करते हैं वो जब आपको देखेंगे तो शायद वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे इंटेंसिटी है आपको जब वो देखते हैं तो उन्हें इंटेंस फील होता है फायर पैशन फील होता है और शायद इस वजह से वो वहाँ नहीं जाते जहाँ पर आप होते हैं आपको अवॉइड कर रहे हैं मुझे ये नज़र आ रहा है जो भी आपकी सिचुएशन है आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजनेट करें वो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि आप एक बहुत स्ट्रांग इंसान है ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये आपकी एनर्जी है और आपके पर्सन इस बात को बखूबी जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रोंग है आप बहुत ज़्यादा Uh, आपके असूल हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है uh, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है बहुत करिज़मेटिक है uh, ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं और दूर से देखते हैं uh, हो सकता है कि आप में से किसी का इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रह चुका है इंटरनेट के ज़रिए आप लोगों की बातचीत हुई ये एक स्पेसिफिक मैसेज था ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ही ऐसा हो Uh, कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आप uh, आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से जिनके थ्रू आप दोनों का इंटरेक्शन हुआ कुछ लोगों की वजह से आपका इंटरेक्शन हुआ uh, कोई गैदरिंग थी जिसमें आप इनसे मिले थे और ये लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है आपके पर्सन को आप उसी दिन बहुत ज़्यादा पसंद आए थे uh, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली uh, ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको मिस करते हैं uh, हालांकि मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा कि इनके साथ आपकी बहुत मेमोरीज़ हैं बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं हैं आपकी इनके साथ लेकिन uh, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते तो हैं मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब्स आ रही हैं कि ये आपके सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं जो दूर से बस आपको देखते हैं आपको आइडियलाइज़ करते हैं और अगर आपका इन, इनसे ब्रेकअप हो गया है तो भी इन्होंने हमेशा आपको आइडियलाइज़ किया है आपको पसंद इन्होंने हमेशा किया है और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लिटरली स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए आपके लिए एक डिसीजन लेने के लिए यू you नो know? आपको अप्रोच करने के लिए उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उनमें वो करेज अभी नहीं है उन्हें ऐसा फील होता है कि वो इतने पावरफुल नहीं हैं कि वो आपको फ़ेस कर सकें या आपको बता सकें कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं वो इसलिए भी क्योंकि उनकी ज़िंदगी के सरकम्स्टांसिस कुछ इस तरह के हैं कि वो शायद बता नहीं सकते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आगे चल नहीं सकते हैं कुछ सीरियस आपके लिए अभी वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था तो इस वजह से ये इंसान आपसे मुझे ऐसा लगता है कि दूर रहते हैं आपसे आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं हालांकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और आपसे प्यार भी करते हैं और जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें वो टाइम याद आता है जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा था और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे आपसे आपकी एनर्जी से आप आपके करिज़मा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे बहुत ज़्यादा आप उन्हें पसंद आए थे तो जब से इन्होंने आपको देखा तब से उनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स रही हैं लेकिन उन्होंने कभी आपको शायद बताया नहीं है या उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया अगर एक्सप्रेस किया भी तो उस तरह से नहीं किया जो आप चाहते थे तो ये मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप वन आप लोगों के लिए कुछ भी आपसे रेजनेट किया और पसंद आया आप लोगों को मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर टू यानी कि यून यैंग सेलेक्ट किया ये आप लोगों की रीडिंग होगी और अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में पूछना चाह रहे हैं लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन है और एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं uh, तो पहला कार्ड, वी हैव जस्टिस फोर ऑफ सोर्ड्स टू ऑफ सोर्ड्स नाइन ऑफ कप्स पेज ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स और राइट तो यहाँ पर लिब्रा Gemini, एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉगली हैं लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन uh, बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की जिंदगी में कन्फ्यूजन है आपके पर्सन क्लियर नहीं है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है इसके अलावा मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं मे बी रिलेशनशिप की शुरुआत से ही वो बहुत ज़्यादा सोचते थे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे और आप हमेशा ये कहते थे कि टेक इट ईज़ी गो विद द फ्लो जस्ट गिव अस समाइम लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते थे क्वेश्चनस करते थे कि पता नहीं रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा वो सोचते रहे हैं चीज़ों को ओवर थिंक करते रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हैं आप आपके पर्सन के इस सोचने की वजह से yes ये मुझे नज़र आ रहा है एक्शन uh, ओरिएंटेड नहीं हैं आप काफ़ी ज़्यादा आपको भी परेशानी हुई है इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं और आपको जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी अपने पर्सन में देखना था वो आपके पर्सन में शायद आपको नज़र नहीं आया है ऑल दो आपने कोशिश की है कि ये रिलेशनशिप काम कर जाए ये लॉन्ग टर्म चल जाए लेकिन आपके पर्सन को अभी और ग्रो करने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि आप में एज गैप भी हो सकता है काफ़ी लेकिन ज़रूरी नहीं है आ, मुझे वैसे ही ये फीलिंग आ रही है कि आप में से एक बहुत ज़्यादा मेच्योर है और एक थोड़े से इमेच्योर है जिन्हें लर्न करने की ज़रूरत है और जिन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है जो कि कारमा का कार्ड भी है एंड मे बी आपके पर्सन ने अभी अपना कारमा फेस नहीं किया है आई I मीन mean, कारमा तो हर वक्त काम कर रहा है लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेकिन वो जो मेजर लेसन्स कारमा से हमें मिलते हैं यू you नो know, हमें जब हम अपना कारमा फेस करते हैं और उसके बाद जो मेजर लेसन मिलते हैं और जिनसे हम ग्रो करते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं वो लेसन अभी आपके पर्सन ने नहीं लिया है वो ये जानते थे हमेशा से कि आप उनकी विश फुलफ़िलमेंट हैं वो हमेशा से ये जानते थे कि आप उन्हें इमोशनली फ़ुलफिल करते हैं लेकिन उन्होंने हमेशा वॉक अवे किया उन्होंने हमेशा इस इस विश से भागने की कोशिश की उन्होंने हमेशा आ, मैं क्या आप लोगों से ये कहूँ इस बारे में कि किस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि शायद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इसको जिस तरह से आप चाहते थे कि उनमें एक्सेप्टेंस हो आपके पर्सन ने क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा बहुत ज़्यादा किए चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किया और शायद इसलिए उन्होंने हमेशा वॉक अवे किया मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन हमेशा रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए शायद ये उनके लिए टू मच था शायद अभी वो ज़िंदगी में सेटल नहीं होना चाहते थे या रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे शायद ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी थी जिनको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ज़िंदगी में उनके कुछ गोल्स थे जिन्हें उन्हें अचीव करना था शायद उन्हें ट्रू लव पर बिलीव ही कभी नहीं था आ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस प्रेजेंट टाइम में लव आपके पर्सन का फोकस नहीं है और उनका फ़ोकस उनकी विशेस कुछ और हैं उनके ड्रीम्स कुछ और हैं जिनके पीछे वो जाना चाहते हैं और आपको इस पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए रेडी थे आप हमेशा से कम्प्लीटली रेडी थे उनके साथ सेटल डाउन होने के लिए रिलेशनशिप में जाने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप उनका साथ देने के लिए हमेशा रेडी थे मुझे ऐसे लगता है लेकिन उन्होंने हमेशा आम, विदड्रॉ किया है इमोशनल विदड्रॉल मुझे नज़र आ रहा है उन्होंने वॉक अवे किया है मे बी आपको घोष्ट किया हो मे बी ट्रैवल करके दूर चले गए हो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की सेपरेशन चल रही है आप लोग एक साथ नहीं हैं एंड अफकोर्स शायद आप इसी लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पर्सन uh, मुझे ये नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा लविंगली आपको याद कर रहे हैं वो ये ज़रूर समझते हैं कि आप एक बहुत लविंग नर्चरिंग इंसान है और आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लविंग वे में यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपके बारे में नहीं सोचते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले गए तो ये आपके लिए बेहतर होगा शायद उन्होंने ठीक किया है कि वो आपकी ज़िंदगी से गए हैं शायद ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इंटेंस था शायद ये कनेक्शन उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था Uh, बहुत ज़्यादा डीप था और वो इतना डीप इतने डीप और इंटेंस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे इसलिए उन्होंने वॉक अवे कर दिया इस रिलेशनशिप से तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके पर्सन uh, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में बहुत लविंग एनर्जी में नहीं है इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप है क्या मे बी उनको साइंस मिल रहे हों सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हों इंटेंस इमोशंस फील हो रहे हों लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि ये क्या है और आ, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को ये yes, मैं इसको आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो बस मुझे यही नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर टू आप लोगों का ये कनेक्शन काफ़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है और ख़ासतौर पर अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी पर हैं तो आपके पर्सन और आप दोनों ने एक दूसरे को किसी न किसी अंदाज में ट्रिगर किया है उन्होंने आपको इस अंदाज़ में ट्रिगर किया कि मे बी उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया कन्फ्यूज़न दिया आपको बहुत ज़्यादा हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ नहीं थी ये सिर्फ प्यार था डीप लव था ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा लेकिन आपके पर्सन के लिए ये शायद टू मच था और आपने उन्हें इस तरह से ट्रिगर किया कि शायद वो इमोशन से डील करने के लिए अभी रेडी नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में रेडी नहीं है उस वक्त रेडी नहीं थे और इस वजह से वो आपसे दूर हो गए मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं ज़िंदगी में जो अभी वो नहीं कर पा रहे हैं कोशिश वो बहुत कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का बैलेंस ढूंढ लें कन्फ्यूजन से निकल आएँ समझ लें चीज़ों को लेकिन अभी उन्हें वो मेजर लेसन नहीं मिला है और आपके लिए ये ख़ास तौर पर गाइडेंस आ रही है कि जब आप इनसे डिटैच रहेंगे और अपना अपनी ज़िंदगी पर अपने गोल्स पर फोकस करेंगे मेडिटेट करेंगे जो भी रिचुअल्स आप करते हैं अगर उनको हीलिंग एनर्जी भेजेंगे तो मे बी उनको ग्रो करने में लर्न करने में हेल्प मिलेगी आपके पर्सन को गाइडेंस की भी ज़रूरत है और स्पिरिचुअली ग्रो करने की भी ज़रूरत है लेकिन जो उनका वर्क है वो उन्हें खुद ही करना होगा तो आपको डिटैच रह कर पॉजिटिव रहना होगा और यही आपके लिए गाइडेंस इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में आ रही है कि अगर वो आपसे वॉक अवे कर गए हैं तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने गोल्स और ड्रीम्स पर फोकस करें मे बी जब आप फोकस अपने ड्रीम्स पर सेल्फ़ लव पर कर रहे होंगे उस वक्त ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाए लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन का फ़ोकस लव एंड रिलेशनशिप्स नहीं है और इसकी वजह कोई ट्रॉमा भी हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है तो आपके पर्सन को बहुत सा काम करने की अभी ज़रूरत है जिसके बाद ही वो आपकी तरफ आएंगे तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो थ्रू लव थ्रू कम्पैशन थ्रू पैशन आपको याद नहीं करते हैं ग्रुप नंबर टू वो ये ज़रूर कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं नर्चरिंग हैं काइंड हैं लेकिन वो आपके साथ अभी चल नहीं सकते हैं जब वो आपको याद करते हैं जब आप उनके जहन में आते हैं तो वो ये सोचते हैं तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर टू कुछ भी आपसे रेजोनेट किया पसंद आया आप लोगों को मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक like कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि फेथ सेलेक्ट किया था ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ वॉर्न द सन सिक्स ऑफ वॉर्न फोर ऑफ वॉर्नस वाओ टेन ऑफ कप्स एट ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ ऑल राइट तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं वी हैव लियो लियोजिटेर लियो बहुत स्ट्रॉगली है यहां पर कैंसर स्कॉर्पियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो एयर साइन यहां पर नहीं है उसके अलावा सारे स्टार साइंस हैं लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूं कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है एक तो ये डेथ कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या लड़ाई हुई है इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप जिनके बारे में पूछना चाह रहे हैं उनकी उनका पहले डिवोर्स किसी से हो चुका है पहले उनकी कोई शादी नाकाम हो चुकी है और अगर ऐसा नहीं है तो शायद रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा नाकाम हुए हैं एंड राइट ऑफ द बैट ये एक बहुत खूबसूरत रीडिंग है uh, ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं बिकॉज़ वी हैव अलेवन अलेवन कार्ड जो कि बहुत खूबसूरत कार्ड है तो वो आपको मिस करते हैं या नहीं यस yes, श्योरली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बहुत ज़्यादा और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्लियरली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपके बारे में वो बहुत पैशनेट हैं और वो आपके साथ ये हैप्पी फैमिली का ख्वाब देखते हैं हमेशा से उन्होंने आपके साथ इस हैप्पी फैमिली का ख्वाब देखा मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं ऑल आउट जाना चाहते हैं वो ट्रूली ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहते हैं इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं इसमें लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शायद पहले आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट रहे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे इन एंड आउट कम्युनिकेशन होती रही कभी कम्युनिकेशन हुई कभी नहीं हुई बातचीत कभी हुई कभी नहीं हुई और इस वजह से शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए आपको ऐसा फ़ील हुआ कि वो सीरियस नहीं है आपको लेकर लेकिन जब आप लोग सेपरेट हुए आपका ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ आप लोगों के दरियान आपके पर्सन ने आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक पुल महसूस किया सोल लेवल पर महसूस किया और मुझे लगता है कि वो चेंज हो रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम था तो मुझे लगता है कि वो आपके पर्सन आपके पर्सन के सोचने के पैटर्न का था लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम था जिसे आपने हमेशा चाहा कि वो चेंज करें मेच्योर हों ग्रो करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपके पर्सन ग्रो करना चाह रहे हैं चेंज होना चाह रहे हैं पहले उनकी एनर्जी सेटल डाउन होने वाली नहीं थी लेकिन अब मुझे लगता है कि वो आपके साथ मेच्योरली आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ सीरियस चाह रहे हैं एंड विद द फोर ऑफ़ वॉन्ट्स आपको पता है कि ये रिचुअल्स का भी कार्ड है एंड मैरिज का कार्ड है तो मुझे लगता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं आपको प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में एंड डेथ कार्ड आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का रीबर्थ का कार्ड है तो ये टोटली totally आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक नए इंसान में ऐसा नहीं है कि वो आ, कुछ कुछ और बनना चाह रहे हैं जो वो नहीं थे बल्कि अपनी ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं अपनी मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि पहले वो वो इंसान बन बन रहे थे जो वो हकीक़त में नहीं थे असल में नहीं थे अब वो अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो बदलना चाहते हैं ख़ुद को आइडियाज़ को बदलना चाहते हैं वो सेटल डाउन होना चाहते हैं क्योंकि मुझे मेजरली ये लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आप साथ सेटल डाउन नहीं हो रहे थे शादी नहीं कर रहे थे या सीरे से रिलेशनशिप में ही नहीं जा रहे थे सीरियस नहीं हो रहे थे लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं वी हैव द सन एंड वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स जो कि हमें उनके मेच्योरिटी सीरियसनेस के बारे में बता रहा है वो हार्डवर्क करना चाहते हैं वो फाइनली काम करना चाहते हैं इस पार्टनरशिप पर इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं आपके बारे में वो क्या सोचते हैं Uh, बहुत प्यार करते हैं आपसे आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं मे बी आप दोनों फायर साइन हैं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है uh, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा पैशन है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वाटर एंड फायर भी हो सकते हैं आप वाटर वो फायर या वो फायर आप वाटर तो एनी जो भी आपके साइंस हैं uh, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सक्सेस चाहिए इनको आपके साथ और uh, आपकी तरफ पीस ऑफर पीस ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं अगर आप लोगों के दरमियान आलहदगी हो गई है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे सॉरी करना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि उन्होंने किस तरह आपको अप्रोच करना है आपसे कम्युनिकेट किस तरह करना है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी वजह से आई एम सो सॉरी वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपकी वजह से एक बेहतर इंसान बन रहे हैं और आज वो आपकी वजह से एक बेहतर इंसान हैं और वो मज़ीद बेहतर होना चाहते हैं और आपके साथ वो अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताना चाहते हैं ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है और जब भी ऐसी रीडिंग आती है मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर हो और जो भी इस रीडिंग में आया आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही कुछ ख़ूबसूरत हो और आप लोगों ने ये फेथ सिलेक्ट किया था मे बी आप लोग बहुत आप लोगों का फेथ ट्रस्ट रहा है हमेशा से कि सिचुएशन चेंज होगी आपके पर्सन चेंज होंगे आपने हमेशा फ़ेथ रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका यही फेथ यही यकीन आपको कामयाबी दिलाएगा आप किसी फेथ की वजह से पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से शायद आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं चेंज हो रहे हैं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं और क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है मे बी आप दोनों साथ बैठ कर ये वीडियो देख रहे हों आई होप ऐसा हो आप लोगों के लिए आ, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो क्लियरली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं आपके लिए फ़ाइट करने के लिए रेडी हैं ऑल आउट जाने के लिए रेडी हैं और कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं आपको वो बहुत हाईली देखते हैं क्लियरली यहाँ पर यह नज़र आ रहा है वो आपको बहुत मिस करते हैं हर उस लम्हे को मिस करते हैं जो उन्होंने आपके साथ गुजारा है भी आप लोग अपने एक दूसरे का आप में से किसी का बर्थडे था उस पर आपने सेलिब्रेट किया और वो सारी मेमोरीज़ वो हर चीज़ उन्हें याद है और वो आपको मिस करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुबह में भी आपको मिस करते हैं रात में भी करते हैं अब हमेशा उनके जहन में हैं कोई एक टाइम नहीं है जिसमें वो आपको मिस करते हैं बल्कि आप हमेशा उनके जहन में हैं सुबह शाम उनके जहन में हैं और वो इस पार्टनरशिप पर अब काम करने के लिए सीरियस नज़र आ रहे हैं तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर थ्री कुछ भी आपसे रेजनेट किया पसंद आया आप लोगों को मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाते-जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं न्यू लव ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनीफेस्ट हो और ज़रूर होगा क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल अपने आप को ये ज़रूर बताया करें अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन लव यू लॉर्ड्स बाय